हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे और उस खबर का एनालिसिस भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बिहार का एक सियासी समीकरण बना है, जिस सियासी समीकरण की वजह से आज हम बात कर रहे हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ है उसका बिहार की सियासत पे क्या असर देखने को मिलेगा, उसका एमएलसी चुनावों में क्या असर देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ उसका लोकसभा चुनावों में क्या असर देखने को मिलेगा। तो आप हम आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है जहां पर शरद यादव की पार्टी का विलय हो चुका है लालू प्रसाद यादव की पार्टी में और ये बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम आज बिहार की राजनीति में हुआ है, जिसके बाद से तमाम बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये भी खड़े होने लगे, दोनों पार्टियां एक साथ जब आई हैं तो उसके बाद बिहार की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। वैसे तो मधेपुरा से 7 बार के सांसद रहे शरद यादव बीजेपी के साथ भी पहले गठबंधन में रहे थे, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पहले जब वो अध्यक्ष थे गठबंधन में रहे और उसके बाद वो लगातार उनके साथ गठबंधन में कहीं ना कहीं सरकार बनाने की भी कोशिश की उन्होंने। लेकिन अगर हम इस बार में ध्यान दें तो उनका कद बिहार की राजनीति में भले ही बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 2017 के बाद से वो सियासी वनवास भोग रहे हैं और इसी को खत्म करने के चलते लगता है कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने अपनी पार्टी को आरजेडी में विलय कर दिया है और आरजेडी में उनकी पार्टी के विलय के बाद से ऐसी लगातार तमाम बातें सामने आ रही हैं कि क्या इसका फायदा आरजेडी को होगा और एनडीए को जो इस वक्त बिहार की सत्ता में काबिज है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की का वहां गठबंधन है, क्या उनको नुकसान देखने को मिल सकता है। इन्हीं सभी तमाम बातों पर आज बात कर रहे हैं और देखने वाली बात यही है कि जिन दो दलों का आज विलय हुआ है, देखिए हम जानते हैं कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी और जनता दल ने गठबंधन किया और सरकार बना ली, लेकिन वहां पर हमें पेच देखने को मिला, हमें पेच फंसा देखने को मिला क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आई और जिस तरह से अब दो पार्टियों का विलय हो गया है, अगली बार जब वहां विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमने देखा है कि किस तरह वहां पर गठजोड़ की सरकार चल रही है, एक तरफा मत भी वहां नहीं पड़े, एक नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक लहर वहां देखने को मिली जिसकी वजह से उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। हमने देखा कि 2017 से पहले शरद पवार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार की वापसी हुई और वो एनडीए के साथ चले गए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी बनाकर वो चुनावी मैदान में भी उतरे। अब एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और एमएलसी की जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, भले ही ये सभी दल एक साथ हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने अपने अलग अलग सीटों पर अलग अलग कैंडिडेट उतारे हुए हैं। जी हाँ, इंडिपेंडेंटली सभी दल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी दल जीत के जाएगा उसका एमएलसी अंदर विधान परिषद में पहुंच जाएगा, एक साथ भले ही है लेकिन तब भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि भले ही वहां पर सब दल एक साथ हैं लेकिन अलग अलग राजनीतिक समीकरणों को बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने उसको कुछ वक्त पहले भी आपको इस बारे में बताया था कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, लगातार सीटों को लेकर के, लगातार किन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना है इस बात को लेकर भी अनबन चल रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कोशिश की थी लालू प्रसाद यादव से इस बारे में बात करने की लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन अब जब इन दो पार्टियों का विलय हो चुका है तो ये माना जा रहा है कि इसका फायदा आरजेडी को जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, उसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, 2024 के लोकसभा चुनावों में किसको इसका फायदा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ वोटों का नुकसान हुआ था, सीटों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन जिन सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ वहां उसका हर्जाना उसकी भरपाई उन्होंने उत्तर प्रदेश से कर ली थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनावों का असर भी देखने को मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है। अगर इस वोट शेयर को हम 2024 के वोट शेयर की तुलना में देखें तो बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान जरूर होगा और अगर वही नुकसान उन्हें बिहार से भी होता है तो वो बीजेपी के लिए एक चिंता की खबर है क्योंकि बीजेपी को 2024 का चुनाव लड़ना है और एक तरफ महागठबंधन तैयार कर रही है ममता बनर्जी, एक महागठबंधन तैयार करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में उतरती है और उनकी कोशिश है कि 2024 में एक मजबूत महागठबंधन तैयार किया जाए जिसमें
अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस शामिल होगी और समाजवादी पार्टी शामिल होगी, कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हो सकती है, तो ऐसी तमाम बड़ी पार्टियां वहां शामिल हो सकती हैं। तो 2024 के चुनावों को लेकर भी आज जो एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग कवायतें की जा रही हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में इन चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक बेहतर तरकीब उन्होंने सुझाई है, जिसकी वजह से अब बीजेपी को रोका जा सकता है, बीजेपी की लहर को रोका जा सकता है। हमने देखा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव सरकार का विरोध हमेशा करते रहे हैं, तेजस्वी यादव के विधायक भी लगातार हमने देखा है कि किस तरह एनडीए की सरकार का विरोध करते रहे। अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है, जहां पर विधानसभा में एक बजट पेश किया गया था और उस बजट में भी हमने देखा कि किस तरह से आरजेडी के विधायकों ने उस बजट का विरोध किया, क्योंकि वो लगातार उन मुद्दों को जनता के सामने रखते रहे हैं जो जनता की भलाई के लिए, चाहे तेजस्वी यादव शराबबंदी के बाद जो गैर कानूनी रूप से शराब बिक रही है उसकी बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, बारिश के बाद बाढ़ की बात कर ली जाए, तो ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसके लेकर वो सरकार पर हमला कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। तो उनकी छवि बढ़ती और उनकी बेहतर लोकप्रियता से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खतरा हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर चिराग पासवान की बात कर ली जाए, चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में एक अहम किरदार निभाते हैं। हम जानते हैं कि चिराग पासवान ने जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनावों में अलग से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा था, वो भले ही गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन उन्होंने अलग हटकर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। देखिए 2005 में जिस तरह से एनडीए से अलग हटकर उनके पिता ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, उन्हें उनका फायदा मिला, ज्यादा सीटें उनके हाथ लगी, लेकिन पिछली बार बिहार के चुनाव में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्हें उतनी सीटें हासिल नहीं हो पाई जितनी की उन्हें उम्मीद थी। लेकिन अगर चिराग पासवान भी इस तरह से चुनाव लड़ते हैं एनडीए के अलग हो, एनडीए के साथ ना जाकर, तो भी एनडीए को नुकसान है और ये नुकसान उन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो बिहार की जो राजनीति है वो इस तरह से इस वक्त पेचीदा बनी हुई है, जिसकी वजह से एनडीए और बीजेपी को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसी वजह से ये जो सियासी घटनाक्रम आज हुआ है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ऐसी लगातार बातें की जा रही हैं कि आज के होने वाले सियासी घटनाक्रम की वजह से बिहार की राजनीति बिल्कुल उलट गई है, बिहार की राजनीति बिल्कुल पलट गई है और जिस तरह से आने वाले चुनावों की पर अगर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगातार माना जा रहा है कि चुनावों में बीजेपी को नुकसान होने वाला है, चुनाव बीजेपी हार भी सकती है, एनडीए बिहार का चुनाव भी हार सकती है। एमएलसी चुनावों के घटनाक्रम के ऊपर भी बात कर ली जाए तो एमएलसी में भी बीजेपी को उतना मैंडेट हासिल नहीं हो पाएगा जितना बाकी दलों को हो जाएगा, क्योंकि बाकी दल ज्यादा मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि एमएलसी चुनावों में भी जीत उनकी होगी, लेकिन किस हद तक होगी ये देखना भी बेहद अहम हो जाता है। अगर वही बात करें कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, आरजेडी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है, तो इस पर अभी आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों का विलय हुआ है, कहीं ना कहीं शरद यादव भी लगातार इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि शरद यादव लगातार अपने वनवास को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। शरद यादव चाहते थे कि उन्हें किसी दल में बेहतर स्थिति मिली दी जाए, बेहतर पद दिया जाए और बेहतर स्थिति में वो बेहतर राजनीति कर सके, लेकिन राजनीति गलियारों में शरद यादव का नाम जैसे कहीं गुम सा गया था। वो एक बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन अब जब देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी का विलय आरजेडी में हो चुका है, तो आरजेडी में उनकी पार्टी को किस तरह से नहीं, उनके विधायकों को या फिर उनके नेताओं को किस तरह से अपनाया जाता है और क्या उनके सामने और विकल्प बचते हैं, ये देखना भी इन दिनों अहम हो जाता है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि अब शरद यादव को बाकी नेता, बाकी पार्टियों की जरूरत पड़ चुकी है अपनी राजनीति चलाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि वो 7 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरह मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, मधेपुरा से वो सांसद रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्हें अपनी पार्टी विलय करने की जरूरत आन पड़ी है, तो क्या उनकी उनकी राजनीति बिहार में बिल्कुल खत्म हो चुकी है या बिल्कुल अंत की कगार पर पहुंच चुकी है, ये भी एक बड़ा सवाल इन दिनों खड़ा हो रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का इस पर क्या रुख है, बीजेपी लगातार इस बात को कह रही थी कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में बिहार में है, बीजेपी की सरकार बेहतर स्थिति में चल रही है, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती जरूर नजर आ रही है। और बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के सामने कोई और विकल्प नहीं है, इस वक्त बीजेपी भी चौतरफा वहां पर घिर चुकी है, लगातार बदलते सियासी समीकरणों में बिहार इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ सीटों का, हमने देखा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, हमने देखा गोवा में बीजेपी को
सीटों का नुकसान हुआ, और ये जो सीटों का नुकसान लगातार होता जा रहा है और बिहार में इस वक्त जिस तरह से सियासी तस्वीरें बदल रही हैं, ये कहीं ना कहीं 2024 के आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी को डराने वाली तस्वीरें हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल सकती हैं। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ रणनीतियां बना रहे हैं, तेजस्वी यादव रणनीतियां बना रहे हैं, और चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ हैं ही, लेकिन वो भी लगातार कुछ इस तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यही देखना होगा कि बिहार की राजनीति आगे आने वाले वक्त में और किस तरह से बदलती रहती है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।